हाय, आज हम हैं स्ट्रेटफोर्ड अपॉन और ये है कोवेंट्री से साउथ की तरफ 30-40 किलोमीटर दूर। और खासियत बात ये है इस जगह की, ये शेक्सपियर का बर्थ प्लेस है। और शेक्सपियर कौन था? वो था फेमस राइटर, सबको पता है। तो ये मेरे पीछे है उनकी बिल्डिंग जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और ये बिल्डिंग कम से कम 400-500 साल पुरानी है, 1500 समथिंग में बनी हुई है। और आज इसमें वैसे अंदर जाने देते हैं, लेकिन आज इसमें रेनोवेशन चल रहा है तो जाने नहीं दे रहे। इसकी बैक साइड में यहाँ पर एक शॉप है, बड़ी अच्छी है, इसमें अंदर विजिट करेंगे। अभी देखते हैं कि शॉप में क्या है। और मैक्सिमम चीज़ें उसमें सामने है। हाँ, इसकी बैक साइड अपोजिट साइड में। तो सारा उसमें क्रिसमस से रिलेटेड जो डेकोरेशन का सामान है वो उसमें दिखाई देगा। तो इसमें अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है। सारी चीज़ें क्रिसमस से रिलेटेड हैं, डेकोरेशन, कैंडल्स। हाउ इज अ परफेक्ट मैन, द परफेक्ट मैन, ही इज क्यूट, ही इज स्वीट, गेट अप व्हेन यू बट ही इज हेड ऑफ, बट इज हेड ऑफ। देखना, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, वहां से लाएंगे 100 रुपए का उठा के और यहाँ बेच रहे हैं 800 आने जाने का खर्चा निकाल। देख कितना, 250 हाँ। ये है स्टैचू ऑफ शेक्सपियर, यही वो बंदा है जिसके नाम पर ये बिल्डिंग बनाई गई है। इट्स ओके, एरिया काफ़ी हैपनिंग है, छोटी छोटी हैंडीक्राफ्ट की शॉप हैं, कुछ फूड शॉप भी हैं, रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप। हाँ, ऐसा लगेगा जैसे आर्टिफिशियल, ना आर्टिफिशियल नहीं है, हैंगिंग फ्लावर्स इनको, हैंगिंग गार्डन प्लांटिंग, हैंगिंग प्लांट। लेकिन इस रोड पे खास बात ये है कि ये वॉकिंग के लिए है, बस देखो बीच में लोग और ये सारा मतलब पुराना ट्रेडिशन उसके लिए वो कर रहे हैं, डेडिकेटेड है ऑलमोस्ट सारे घर पुराने। वो क्या, वो स्टार्ट ओके गुंबद बना रखे ना ऊपर। हाँ, ये जितने हैं वो ना वुडन वाले, जिनमें ज़्यादा वुडन है वो सारे बहुत पुराने वाले हैं। हाँ, ये जो आर्किटेक्चर है सामने दिख रहा है, वाइट और ब्लैक, ब्लैक वुडन पार्ट है। तो ये जो आर्किटेक्चर, ये काफ़ी पुराना है, काफ़ी पुराना का मतलब सिर्फ 400-500 साल पुराना है। हाँ, ठीक है। और ये जो है पत्थर वाला, मतलब जो ब्रिक्स हैं, रेड ब्रिक्स, ये भी मतलब अभी रिसेंट यही चल रहा है, रिसेंट चल रहा है। हाँ, पिछले 200 सालों से इसी तरह के वो चल रहे हैं। और 500-600 साल पहले जो बड़े वाले पत्थर हुआ करते थे, जैसे पत्थर वाली बिल्डिंग जो होती है वो हुआ करती थी। यहाँ ये इस तरह का कल्चर काफ़ी देखते हैं, रोड के बीच में ये वो लगा लेते हैं, बैरिकेड लगा के दुकान को एक्सटेंड कर लेते हैं, बाहर चेयर लगा लेते हैं और छाते लगा के वो कर दिया। और ये ऑफिशियली वो करते हैं। टाइमलाइन है ग्रेट हॉल की, 30th सेंचुरी से 21st सेंचुरी तक। यहाँ पे भी दीवारों पे देख रहे हैं कुछ पेंटिंग की हुई है, काट काट के। काफ़ी पुरानी है ना।
है विलियम शेक्सपियर को इंस्पिरेशन मिली थी। ओके स्कूल है टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट किंग। हां देखते हैं यह है किंग एडवर्ड सिक्स्थ स्कूल। कितनी छोटी छोटी है ये लेफ्ट साइड में। अच्छा इस नाम से है। ओके ये बोट है लिविंग बोट। ओके गुड फिर से हम घूम फिर के कैनल साइड ही आ गए। काफ़ी अच्छा है यहाँ। अच्छी बात ये है कि हर जगह हर सिटी में आपको इस तरह की कैनल दिख जाएगी या तो नेचुरल या हैंडमेड जो आर्टिफिशियल है। क्योंकि एक टाइम पहले क्या होता था कि ट्रांसपोर्ट के लिए इसी का यूज़ किया जाता था रिवर से। ऑक्सफोर्ड में पंटिंग की थी वो। और ये है बोटिंग दो इसमें दो चप्पू दे दी जाएंगी हमें पैटल है ना। हाँ अच्छा हायर करो यहाँ से आधा घंटे के 15 पाउंड है। चार लोग उसमें बैठ सकते हैं। हमारे पास दो बंदे कम है नहीं तो हम बैठ जाते है ना। हमने कर लिया अपना ऑन स्पॉट में। हाँ कर चुके हैं वाला तो जब ये बोट मतलब अपनी नाव से जाया करते थे ट्रांसपोर्ट किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह तो इधर ही इस साइड डायरेक्शन में ही बर्मिंघम लंदन जो लिवरपूल सब इसी डायरेक्शन में इनका वाटर वे डायरेक्शन। अभी भी पता है वाटर क्रॉसिंग। अभी ये तो देखा ही है ना क्या देखा ये लोग यहाँ पर इनको नाव को 6-6 महीने के लिए रेंट पे ले लेते हैं इसी में रहते हैं और इसी में घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। हाँ चलो झूले की तरफ जाएंगे वाले। अलग अलग घाट बने हुए हैं देख इधर ये घाट है ठीक है ना एक उधर घाट है। आखिर हम आ गए वाली जगह जहाँ पर हमें नहीं आना चाहिए था। ये पीछे मेरे सबसे बड़ा झूला यार कितना बड़ा है हाइट कितनी ज़्यादा है इसकी। वो पॉइंट है जहाँ से रिवर दो उसमें डाइवर्ट होगी एक लेफ्ट साइड में ये जो है और एक ये राइट साइड में। और ये जगह है बैलकोट। बैलकोट बड़ी अंदर की तरफ जगह है बड़ी ढूंढने में मिली है गली गली में जाकर अंदर। बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि छोटी सी गली है या किसी की शॉप है अंदर इसका रास्ता है लेकिन अंदर आते ही दिखता है यहाँ पर चमत्कार मैजिक एकदम। मतलब वैसे कुछ खास नहीं है लेकिन हाँ जो यहाँ का एम्बियंस है वंडरलैंड का जो इन्होंने टैटू बना रखा है इन्होंने अपना बोर्ड बना रखा है बड़ा मस्त लग रहा है। और ये सब है कुंफू एवरी मैन। हाँ और धीरे धीरे ये बंद होता जा रहा है मतलब यहाँ जो है आधी जो चीजें हैं है। 5 बजे तक यहाँ पर सारा का सारा सन्नाटा फिर यहाँ के कुछ पब हैं हाँ फिर वो अपना चमत्कार दिखाते हैं बर्गर या फिर बर्गर बर्गर। मिलर कार्टर ओ ये है एवरीवन जो जहाँ पे लगती है मूवी थिएटर ये है एवरीवन। इज इट अ बर्ड इज इट अ प्लेन नो इट्स अ डॉग मतलब ये यहाँ का थिएटर है ठीक है तो जस्ट